अस्सलाम वालेकुम, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ मामा, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बोर हो रही थी, सोचा गेम ही खेल लूँ। क्या मतलब है बोर हो रही थी, और ये गेम क्यों खेली जा रही है मोबाइल पर? भाई टीवी पर तो तुम्हारा फेवरेट शो आ रहा है, तो मैं यही समझी कि तुम अपना वही शो देख रही होगी। रात में इतना लेजी हो जाती हूँ ना कि दिल ही नहीं करता कौन जाए टीवी लाउंज में ड्रामा देखने। क्या कह रही हो, टीवी लाउंज में? और जो हमने तुम्हें एलईडी दी थी वो तुम्हारे कमरे में नहीं लगी क्या? नहीं लगवाई। तो कहाँ है वो? वो बाकी सारे सामान के साथ ना पैक्ड पड़ी है। क्या मतलब है बाकी सामान के साथ पैक पड़ी है? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा मामा। कामरान की अम्मी ना मेरा कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करने देती मुझे। इस्तेमाल तो दूर की बात, मेरी सारी चीजें पैक्ड रखी हैं। हद हो गई है भाई। वैसे तो तुम्हारी सास बड़ा जहेज जहेज कर रही थी हैं? और अभी तक उन्होंने चीजें तक नहीं खोली हैं। बात की तुमने कामरान से? जी की थी, वो भी यही कह रहे हैं कि कुछ दिन और रुक जाओ। चलो चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वैसे तो तुम्हारे साथ उनका सलूक ठीक है ना? बाकी तो सब ठीक है, मेरा ख्याल भी रखती हैं। बस ये कहती हैं कि घर का सामान इस्तेमाल करो, अपना जहेज का यूज करने की जरूरत नहीं है। लो भाई, सासें हमेशा अपनी बहुओं को ताने देती हैं कि जो सामान अपने घर से लाई हो ना वो इस्तेमाल करो, और ससुराल की किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाने देती। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी ससुराल में तो सिस्टम ही उल्टा है। जी मम्मा, इस उल्टे सिस्टम के चक्कर में ना गर्मी में सोना पड़ता है मुझे। अब देखो, ये मत कहना मुझे कि वो जो हमने एसी दिया था वो भी तुम्हारे कमरे में नहीं लगा। सच तो यही है कि नहीं लगा। तुम मुझे परेशान कर रही हो बेटा, इतना तो तुम्हारे सारे सामान को जंग लग जाएगा पड़े पड़े। खैर तुम परेशान मत हो, कुछ दिनों के बाद मैं और तुम्हारे अब्बू आएंगे और आके बात करते हैं तुम्हारी सास से इस बारे में। ओके। मैं बहुत परेशान हो गई बेटा। चलो अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है, बाद में बात करूंगी तुमसे। नहीं नहीं, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, और बाबा को भी प्लीज मत बताइएगा, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, बाय।